23 मई को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए उस वक्त तो बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई को तगड़ा झटका लगा ही था। वहीं अब नतीजों के हफ्ते भर बाद भी तीनों दलों पर एक और खतरा मंडरा रहा है। जी हां, चुनाव आयोग तीनों पर बड़ा फैसला लेते हुए सख्त कार्रवाई कर सकता है, जो तीनों दलों की नींद उड़ाने वाला होगा। क्या बीएसपी, एनसीपी और सीपीआई पर आने वाला है बड़ा संकट? क्या तीनों दलों का छिन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? चुनाव आयोग उठाएगा बड़ा कदम। 2014 में भले ही तीनों पार्टियां जैसे तैसे बच गई हों, मगर अब 2019 के चुनाव में भी खराब प्रदर्शन के बाद तीनों दलों पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इस बार के चुनाव में बीएसपी को 10, सीपीआई को 3 और एनसीपी को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि चुनाव आयोग का नियम है कि किसी भी दल का राष्ट्रीय दर्जा तब तक कायम रह सकता है जब तक उसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% से अधिक वोट मिले हों। इसके अलावा उसके कम से कम 4 सांसद लोकसभा में हों। ऐसे में 2014 के चुनाव के बाद ही तीनों दलों पर ये खतरा मंडराने लगा था, लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग के नियमों में हुए संशोधन की वजह से ये पार्टियां बाल बाल बच गई थी। तब आयोग ने फैसला लिया था कि अब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के दर्जे की समीक्षा 5 सालों की बजाय हर 10 साल में की जाएगी। ऐसे में तब भले ही तीनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा बचाने में कामयाब रही हूं, मगर इस बार ये संकट गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2010 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी, जेडीयू और सपा की भी मान्यता छीनी जा चुकी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।